जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। जो तयशुदा हदायतनामा है इस पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतज़ामी इदारे और पुलिस के जो नफरी है वो भी तैनात की गई है और मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। हमारे साथ मुजफ्फराबाद पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट यासीन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि दौराने लॉकडाउन पुलिस की जानिब से जो हदायतनामा है इसकी खिलाफ वर्जी करने पर क्या इकदाम किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने तकरीबन 3000 से ऊपर हमने मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जब्त की हैं, 70 से ऊपर दुकानात सील की गई हैं। ये स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमत ने लोगों की ज़रूरियात और मजबूरियों के पेश नज़र लोगों को रियायत दी है, लोगों को सहूलत दी है कि वो आएँ, वो ख़रीदारी भी करें, लेकिन उसके लिए एक SOP लोगों की जानें बचाने के लिए एक SOP बना दी गई। और उस SOP की खिलाफ वर्जी जो करेगा, मसलन मोटरसाइकिल के ऊपर डबल सवारी पे पाबंदी है, कहें एक्सेप्शनल केस में किसी इंतहाई सीरियस मरीज़ को आप ले जा रहे हों, गाड़ी पे दो बंदे के अलावा, ड्राइवर के अलावा एक बंदा सवार हो सकता है, अगर तीसरा बंदा सवार होगा तो वो गाड़ी जब्त होगी और जो गाड़ी चलाने वाला है ड्राइवर उस बंदे के समेत जो है ना वो भी थाने में जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी लोगों से यही है, वो जो SOP मुकर्रर किए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी हम किसी सूरत में भी नहीं करने देंगे। हुकाम का यही कहना है कि आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान जो हदायतनामा जारी किया गया है ये शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात के पेश नज़र जारी किया गया है, ताकि दुकानों पर जो ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी का सिलसिला है वो भी जारी रखा जा सके और लोगों को जो लॉकडाउन के दौरान वबा है कोरोना वायरस है इससे बचाया जा सके।